ये बेसमेंट जो है ना, ये इनोवेशन आइडिया प्रोजेक्ट इन्हीं सबों के लिए है। ये रोबोटिक्स लैब, आप समालगा से आने के बाद हमें आइए यहाँ पे पट्टी कल्याण है। ये पीछे पट्टी कल्याण गाँव दिख रहा है आपको। तो गाइज उस पर इसके बाद हम यहाँ तो कहीं पाइट नहीं है, तो हम चलेंगे गाइज इस जो दिख रहा है फ्लाई ओवर के ये नीचे नीचे हम चलेंगे उस पर। फिर हम आएंगे इस रोड पे इस साइड, ठीक है। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं अभी पाइट कॉलेज के पास, ठीक है। तो आप देखो ये इनका बस वगैरह लगा हुआ है और ये है इनके एंट्री जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब जब उस साइड से आओगे ना इस साइड, तो आपको यहाँ पे आओगे आप पहले, फिर उसके बाद हम अब चलते हैं। तो गाइज यहाँ से हम किए एंटर, ठीक है, और हम चलेंगे अब देखेंगे इनके एडमिन ब्लॉक। वो तो यहाँ से हम एंटर करेंगे एडमिन ब्लॉक में, ठीक है। तो गाइस फाइनली हम आ गए एडमिन ब्लॉक में, ठीक है। तो एडमिन ब्लॉक का इस तरह का नज़ारा मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, फिर आपको यहाँ से ये हमारा अकाउंट का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप आके पैसे वगैरह पे कर सकते हो। कोई भी आपको अगर डाउट है ना, तो आप यहाँ पे मैम से पूछ सकते हो। गाइस मैम यहाँ पर सब कुछ बताती है, आपका सारा प्रोसेस मैम करवा देगी। बाकी ये है एडमिन ब्लॉक। गाइस आपको ये ऊपर वाला सीन दिख रहा है ना, तो ये जाता है प्लेसमेंट सेल में। अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो गाइस देखो, यहाँ से आप ऊपर चले जाओगे प्लेसमेंट सेल में, तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम अभी आपको दिखाते हैं ये सब सीन। तो अगर आप जिस तरह से निकलोगे ना एडमिन ब्लॉक से, तो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा इस टाइप का नज़ारा, जो है कि मतलब ओपन थिएटर वगैरह है, और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा गाइस आपको। लाइक ये बी ब्लॉक है, ये जी ब्लॉक है, और ये ई ब्लॉक, और ये डी ब्लॉक गाइस, और ये है ए ब्लॉक। और जो ये गाइस देख रहे हैं ना आपको, ये कैंटीन, ये कैंटीन है। तो गाइस आपको लेके चलता हूँ मैं पहले ए ब्लॉक में, फिर आपको बताता हूँ कि ए ब्लॉक में क्या सीन है। सो गाइस ये है अपना ए ब्लॉक, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में बेसिकली फार्मेसी से रिलेटेड पढ़ाई वगैरह होता है, ठीक है। तो अगर आपको दिखाऊँ तो पहले ये देखो, तो अभी सारा लाइट्स वर्च बंद है, लेकिन फिर भी आप देख लो इस टाइप का, मतलब आपको क्लासरूम देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ये कुछ डिजिटल सेटअप वगैरह भी यहाँ पे, तो आप ये सब देख सकते हो। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ एक दो लैब दिखाता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे इनका देखो लैब है, ये खुला तो नहीं होगा, नहीं खुला है गाइज। तो ये फार्मेसी की लैब है, ठीक है, ये खुला हुआ है गाइज। तो दोस्तों देख लो यहाँ पर, ये है लैब, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बाहर, इस हम चलेंगे बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक आपको सामने सामने दिख रहा है, ठीक है, वाइट वाला बिल्डिंग। तो गाइस बी ब्लॉक में बेसिकली बीकॉम वगैरह, फैशन डिज़ाइनर और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टडीज़ वगैरह वहाँ पे होता है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में क्या होने वाला है, कैसा अभी लैब वगैरह कैसा है। सो गाइस ये है बी ब्लॉक, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बी ब्लॉक में, देखते हैं कौन सा खुला हुआ है। ओके गाइस ये खुला हुआ है। सो गाइस इसमें भी देखो, इसमें भी इस तरह को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरे क्लास में देखते हैं कौन सा क्लास में क्या होगा। लैब वगैरह भी यहाँ पे खुला नहीं है गाइस, कोई सा भी क्लास, वही एक बस खुला हुआ था। तो इसमें फैशन डिज़ाइन वगैरह भी होता है। तो ये लास्ट का आपको दिख रहा है ना, ये फैशन डिज़ाइन के लिए है बेसिकली। तो हम परमिशन लेते हैं और आते हैं। मैं कह सर सो गाइस ये है, ठीक है, फैशन डिज़ाइन के लिए है। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप फैशन डिज़ाइन में भी ले सकते हो। तो गाइज हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का स्टडी वगैरह होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का लैब सब इधर ही है। ये गाइज देखो,
ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह रखा हुआ है, तो आपको मतलब एक्सप्लोर करने को तो बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे, बस आपका डेडिकेशन थोड़ा मज़बूत होना चाहिए। सो गाइस, बी ब्लॉक के बाहर आने के बाद हमने देखा ये ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे, तो ये रोड आपको सीधा लेके जाएगा सी ब्लॉक में, ठीक है। सो गाइस, ये है सी ब्लॉक, ठीक है। ये ब्लॉक इतने पीछे है, वैसे ये ब्लॉक हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए और सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, तो ये डिपार्टमेंट में पहले बहुत बच्चे होते थे, लेकिन आजकल तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट थोड़ा कम बच्चे होते हैं, ठीक है। पहले इसमें आओगे ना तो आपको मैकेनिकल के इक्विपमेंट्स देखने को मिलेगा, ठीक है, जो लैब में परफॉर्म होता है, तो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स के सारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। सो गाइस, यहाँ से अगर आपको लेके चलूँ, ठीक है, तो ये सब बेसिकली लैब है गाइस, ठीक है, और आपको ऐसा कुछ नज़ारा मिलेगा सी ब्लॉक का देखने को, ठीक है। तो ये सी ब्लॉक का नज़ारा है जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टडी होता है। तो गाइस, अब चलते हैं बाहर, दूसरे ब्लॉक देखते हैं। हम अब जा रहे हैं, देखेंगे जी ब्लॉक। ये गाइस, जो रेड वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना आपको, ये है जी ब्लॉक। जी ब्लॉक बेसिकली एक आइडिया लैब है, जहाँ आइडिया वगैरह अपना लेके आओ, जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो प्रोडक्ट बनाओ, या आपको गाइस किसी स्टार्टअप वगैरह भी करना है तो स्टार्टअप से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे गाइडेंस वगैरह मिलता है। तो ये ब्लॉक बेसिकली इनोवेशन के लिए है। तो ग्राउंड फ्लोर में है ये सब चीज़ें, फर्स्ट फ्लोर में आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट फ्लोर में बेसिकली फर्स्ट ईयर के स्टडीज़ वगैरह होता है, तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है गाइस। तो ये है फर्स्ट फ्लोर, देखो गाइस फर्स्ट फ्लोर में अभी ये है, यहाँ पे थोड़ा काम वाम चल रहा है क्योंकि अभी बच्चे नहीं आए ना। ये है मतलब केमिस्ट्री लैब, देखो गाइस कितना बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे और देखेंगे, अब कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा फर्स्ट फ्लोर से, ये सब लैब वगैरह। तो गाइस ये सब लैब है, बंद है सारा लैब, तो लैब नहीं देख सकते हम अभी, अभी शायद यहाँ पे प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल चल रहा है, तो मैम नहीं देख सकते वहाँ पे, ठीक है। और ये सब क्लासेस है फर्स्ट ईयर के अगर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में थोड़ा उसको एक्सप्लोर करेंगे, बाकी यहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड इन लिफ्ट, ये बस टीचर्स के लिए है, ठीक है गाइस। तो आप लोग गलती से भी लिफ्ट में मत जाना, फाइन वगैरह नहीं तो लग सकता है। इनका बेसिकली ये बेसमेंट जो है ना, ये इनोवेशन आइडिया प्रोजेक्ट इन्हीं सबों के लिए है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर्स के सारे मतलब काउंसलिंग वगैरह यहाँ पे होता है, तो फर्स्ट ईयर की काउंसलिंग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा ये ARVR लैब है जहाँ पे गेम वगैरह बनता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब है जहाँ बच्चे अपने बैठ के प्रोजेक्ट वगैरह बनाता है, ठीक है गाइज़। तो आप देख सकते हो ओवरऑल आपको कैसा दिख रहा है ये आइडिया लैब। तो अभी हम चलेंगे, मैक्सिमम मेरा टाइम गाइज इसी डिपार्टमेंट में, ये रोबोटिक्स के जो आइडिया लैब है ना, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम टाइम गया था, यहाँ पे मैंने जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बना रखा था वहाँ पे है, तो इस यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये रोबोटिक्स लैब, ठीक है। तो रोबोटिक्स का ये स्टार्टअप सेल भी है, जो भी नए नए आइडियाज़ होगा आपके पास तो आप वहाँ पर अपना यहाँ पर आके एग्जीक्यूट कर सकते हो। निकल रहे हैं जी ब्लॉक से, जी ब्लॉक में बेसिकली यही था सीन। तो गाइस ये है मतलब अपना ई ब्लॉक जहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट का स्टडी वगैरह होता है, तो हम अभी इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ कैंटीन्स है गाइस जहाँ पे बच्चे अपना लंच वगैरह करते हैं। हम आ चुके ई ब्लॉक में, एक सेमिनार हॉल है छोटा सा, जिस ई ब्लॉक में जिस तरह से उसी तरह से डी ब्लॉक में भी है, उस साइड में सीधा सीधा अगर आप देखोगे ना वहाँ उधर साइड में पूरा वहाँ तक, तो सेम ऐसा ही है। पता नहीं गाइस कौन सा डिपार्टमेंट खुला हुआ है, सब बंद है गाइस, ठीक है। पर आपको दिखा देता हूँ बेसिकली यहाँ से क्लासरूम, देखो गाइस ऐसे ही मिलता है आपको देखने को क्लासरूम, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो है कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको दिखाता हूँ मैं, देखो ये सर्वर रूम, सर्वर रूम में बेसिकली जो भी इंटरनेट कनेक्शंस या कोई भी टेक्निकल फॉल्ट होता है कॉलेज में, तो ये सब सर्वर रूम वाले देखते हैं, सर्वर रूम वाले हैंडल करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो सारे मतलब कंप्यूटर्स देखने को मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। तो हमने ये सब तो देख लिया, अब हम गाइस चलेंगे डी ब्लॉक में। ये डी ब्लॉक, ठीक है,
यहाँ पे कुछ काम वगैरह भी चल रहा है। तो ये लिफ्ट है गाइस, लिफ्ट में अलाउड नहीं है जाने को, नहीं तो हम लिफ्ट में जा सकते हैं ठीक है, लेकिन गाइस हम जाएंगे लिफ्ट से ही क्योंकि अभी कोई नहीं है ना यहाँ पे, बच्चे बच्चे तो हम जा सकते हैं लिफ्ट से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार अलाउड नहीं है ठीक है, लिफ्ट में जाना मत आप लोग। देख सकते हो इधर से ही देख लो आप, पैटर्न वही मिलेगा आपको क्लासरूम्स का, अगर आपको दिखाऊं तो गाइस देखो हमने तो देख लिया अपने डी ब्लॉक ई ब्लॉक ब्लॉक ए और बी सी भी देख लिया, तो साइज हमने तो ये सब एक्सप्लोर कर लिया, अभी हम चलेंगे और थोड़ा मेस में, मेस का सीन देखेंगे, मेस का माहौल देखेंगे, मेस में क्या सीन है ठीक है। वैसे मेस का खाना मतलब ठीक है, नॉर्मल अगर आपको खाना है तो, लेकिन जा एक्सपेक्ट मत करना। ये खाना ठीक है देख लो ठीक है, ये अपना भाई भी खा रहा है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो गाइस ये मेस का सिस्टम है, वैसे पूरी हरियाणा में मतलब अगर आप देखोगे ना मतलब यहाँ पे खाना एज़ कम्पेयर टू बढ़िया मिलता है, तो आप ये मत सोचना कि मतलब ज़्यादा इतना बेकार भी नहीं होता है, लेकिन ठीक है मतलब नॉर्मली जैसा मेस का खाना होता है वैसा ही मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा बढ़िया मिलेगा यहाँ पे, थोड़ा सा बढ़िया बाकियों के मुकाबले। तो गाइस फाइनली खाना कंप्लीट करके मैं आ चुका हूँ और मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये मैस से निकलने के बाद इस तरह का माहौल दिखेगा आपको मेरा पाइट कॉलेज, तो आपको थोड़ा सा ओपन थिएटर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे वो सेलिब्रिटी वगैरह आ रखे हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूट्यूब वगैरह में सर्च करते हैं ठीक है। यार इस स्टेज पर मैं कभी परफॉर्म नहीं कर पाया, ये चीज़ एक रह गया इस कॉलेज में करना, बाकी ठीक है देखते हैं यार कभी मौका मिले तो करेंगे दोबारा। इसके बेसमेंट में आपको फार्मेसी के लैब देखने को मिलेगा, और ऊपर जो है ना ऊपर एक हॉस्टल बना दिया है क्योंकि हॉस्टल में जगह कम पड़ गया था ना और बच्चे ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसको हॉस्टल बना दिया, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर है ओल्ड कैंटीन जहाँ पर चाय बहुत बढ़िया मिलता है, तो आपको चाय पीनी चाहिए यहाँ के जब भी अब आओगे। गाइस यहाँ से लेंगे हम चाय ठीक है, फिर इसे पियेंगे। ये लो आंटी जी। सो गाइस दिस इज़ माय टी और मैं इसे पीऊँगा क्योंकि ये चाय बढ़िया लगता है, वैसे ओल्ड कैंटीन में आपको भी चाय पीनी चाहिए आके। सो गाइस ओल्ड कैंटीन के बाद हम चलेंगे अभी हॉस्टल में, हॉस्टल में जाने के बाद देखता हूँ कि मतलब क्या सीन है, आपको भी दिखाऊँगा हॉस्टल के रूम्स वगैरह, दो तीन रूम में तो दिखाऊँगा ही कि क्या कैसा रूम होता है क्या सीन है। तो गाइस अब जा रहे हैं हम हॉस्टल, आपको फिर दिखाऊंगा मैं हॉस्टल्स में रूम कि दो हॉस्टल्स है मतलब एक्चुअली हमारे पास तीन हॉस्टल्स है। गाइस ये है वर्कशॉप जहाँ पे मतलब फर्स्ट ईयर में MPW आप स्टडी करोगे ना, तो इसी लैब में आके काम करोगे, और ये रहा अपना हॉस्टल दोनों। तो गाइज़ अगर मैं आपको बताऊं तो गाइज़ ये है रूम, रूम नंबर 6 ठीक है। ये मेरा रूम था पहले ठीक है, सबसे पहले मैं आया था ना, ये मेरा रूम था, हाँ ये मेरा था पहले, भुजिया खिलाया था इधर हाँ याद है तुझे, भुजिया खिलाया था। सो गाइज़ ये मतलब सारे अपने जूनियर बच्चे हैं, ये बहुत चॉकलेट खाता है ये बच्चा देख रहा आपको ठीक है, बहुत मीठा है ये ठीक है गाइज़। तो आपको दिखाता हूँ दूसरा रूम, बाकी ये 2-सीटर था, 2-सीटर बहुत कम है हमारे पास ठीक है, तो आपको 3-सीटर 4-सीटर गाइज देखो ऐसे होते हैं माहौल हॉस्टल में इस टाइप का ठीक है गाइज। तो आप भी जब आओगे ना आप लोगों को भी दोस्ती मिलेगा ऐसे ऐसे एक से एक। हम चलते हैं, ये अपना 2-3 भाई है देख ले सकते हो आप, हॉस्टल के सबसे जीमर यही भाई जीमर है, आप जब आओगे ना इससे ट्रेनिंग मिलेगा आपको। इस बिल्डिंग में आपको दिखाता हूँ, वैसे मेरा रूम तो नहीं, मैं किसी और का रूम दिखाऊंगा आपको क्योंकि मेरा रूम तो यार 307 है तो ऊपर है ठीक है। अभी आपको फर्स्ट फ्लोर में ही दिखाता हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो फर्स्ट ईयर में आते हैं ना उसको ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ही मिलता है ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ मैं। सो गाइस 103 रूम नंबर ठीक है,
यहाँ पे आपको बंकर बेड देखने को मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का। देखो ये भाई अपना सोया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ आपको इस तरह का। तो गाइस आपको क्या बताऊँ, हॉस्टल में आपको इस टाइप का ही रूम मिलता है। और ये सेकेंड फ्लोर में आ गए हम। ये देखो भाई पबजी खेल रही है भाई, देखो गाइस। तो गाइस अभी हम आते हैं इस रूम में, ठीक है। तो गाइस ये अपने दोस्त, ठीक है, सारे देखो सो रखे हैं। तो ठीक है गाइस, सो गाइस फाइनली ये ब्लॉग हमने कर लिए कंप्लीट। और क्या बताऊँ, मतलब कॉलेज का ठीक था सिनेरियो जो भी आपने देखा था। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब कैसा लगा आपको कॉलेज। पूरी हरियाणा भर में वैसे नंबर वन कॉलेज बोला जाता है इसको, ठीक है। तो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड गाइस।